नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं अलोक शुक्ला। अभी यूपी ट्रिपल एससी ने वन दरोगा का फॉर्म निकाल दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस महीने के अंतिम सप्ताह में निकल आएगा। अंतिम सप्ताह आया भी नहीं, उससे पहले उसने विज्ञप्ति निकाल दी। हालांकि इसकी जो फॉर्म फिलिंग होगी वो अक्टूबर में ही चालू होगा, बट अधीनस्थ हमेशा कुछ काम ऐसा करता है जो उसके ऊपर से कुछ लोड कम हो जाए, कुछ बच्चे ये ना बोले कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसको हमेशा टैक्टिक खेला है। लेकिन फिर भी एक खुशी की बात यह है कि वन दरोगा का फॉर्म आ गया है और पद भी बहुत अच्छे खासे हैं। तो अब समय आ गया बच्चों आपको अपनी तैयारी में जुट जाने का। पूरे फॉर्म का डिटेल मैं आपको दूंगा, पूरे क्या नोटिफिकेशन में लिखा है उसका डिटेल दूंगा। पद क्या है, उसकी फिजिकल जो एबिलिटी है वो क्या पूछेगा आपसे, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसमें रेस क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ऊपर से उसमें एज की एलिजिबिलिटी भी क्या है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि वन दरोगा का अब ए टू जेड जो सॉल्यूशन है, हमेशा की भांति परीक्षा प्लस इस बार फिर से, वो चाहे आपकी छोटी छोटी क्वेरीज हो या फिर आपकी कोई तैयारी की बात हो या फिर आपके कोई भी समस्या होगी, इस पूरे ही परीक्षा में पूरी ही तैयारी के दरमियान शुरू से लेकर अंत तक परीक्षा प्लस आपके साथ खड़ा रहने वाला है और सारी जानकारी यहां पे आपको मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वन दरोगा के अगर हम पदों की संख्या की बात करें तो कुल मिला के 701 पद आए हैं, जितना एक्सपेक्टेड था उतने ही पद आए हैं। और इसमें जो अगर एलिजिबिलिटी देखा जाए तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी में आप दो चीज देखते हो कि एज क्या मांगा गया है और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एज में तो बच्चों अधीनस्थ के सारी ही परीक्षा में 21 से 40 साल होता है, जैसा उसमें है ऐसा इसमें भी है। लेकिन यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसमें कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जैसे बीएससी हो आपका या फिर बीए हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, बीटेक हो, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा उससे दिया गया है। पाठ्यक्रम के बारे में भी चर्चा करेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में चर्चा करेंगे और तैयारी कैसे करें इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो एक बार हम लोग जो इसका डिटेल जो आयोग की तरफ से पीडीएफ आया है उसको हम लोग एक बार अच्छे से देख लें। तो यह है वन दरोगा मुख्य परीक्षा, ठीक है। वन दरोगा मुख्य परीक्षा की अगर हम लोग बात करें तो ये आप इसे देख सकते हो। अब यहां पे क्या दिया हुआ है कि जो इसकी डेट है वो 17/10/2022 से इसकी क्या है, फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 17/10/2022 है। और अगर हम इसका लास्ट डेट देखें कि लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट 6/11 है। मतलब कुल कितना दिन आपको मिल रहा है, कुल बच्चों 20 डे आपको फॉर्म भरने में मिलेगा। उसके बाद फिर इसका जो संशोधन का अंतिम तिथि है वो 13 है। डेट अभी दिमाग में आप लोग रख लो, हालांकि अभी समय है, इसके बारे में अलग से भी आपको सूचित किया जाएगा। ये सारी चीजें आपकी वही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। ये खास आप देख लो कि टोटल दरोगा के 701 पद है, यहां पर आपको ध्यान देना है। और जैसा कि हमेशा की भांति अधीनस्थ क्या कराता है कि पहले जो लोग पीटी क्वालिफाई हैं वो जीरो स्कोर से भी ज्यादा हैं, जीरो या जीरो से भी ज्यादा हैं, तो वो सारे ही लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को 25-25 रुपए में फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बच्चों को मेरिट के हिसाब से और परसेंटाइल के हिसाब से, फिर उनसे बाकी मेन्स का फॉर्म भरवाया जाएगा जैसे सारी परीक्षाओं में होता आया है। तो ये सारी चीजें आपको पता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। मैं आपको इसमें मेन मेन चीजें केवल बता रहा हूं, बाकी सारी डिटेल लेके आएंगे। तो ये 25-25 रुपए का जो आवेदन शुल्क आपसे जमा करवाएगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद में शायद 180 रुपए आपसे बाद में भरवाया जाएगा। हम लोग इसके क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले वैकेंसी का डिटेल देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि अगर हम आयु न्यूनतम और अधिकतम 21 से 40 वर्ष यहां पे दिया हुआ है, और जो अनारक्षित है अनरिजर्व के लिए 288 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 160 है, ओबीसी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है ओबीसी के लिए 163 है, और यहां पे एससी के लिए 160 है, एसटी के लिए 20 है, और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए 70 है। कुल पद जो है वो 701 है, और ये स्थाई अस्थाई दोनों में किया गया है। हालांकि आगे चल के ये स्थाई हो जाता है। इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो, सर ये परमानेंट कि नहीं है। बच्चों जॉब सारी ही परमानेंट होती है, लेकिन शुरुआत में उसे प्रोविजनल रखा जाता है कि ट्रेनिंग के दरमियान या किसी के दरमियान कुछ ऐसा मिलता है जो आपके ज्वाइनिंग को लेकर दिक्कत कर सकता है, तो वहां पे फिल्टर कर दिया जाता है, बट उसे अस्थाई नहीं बोला जाता। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो स्थाई ही रहते हो, उसके लिए परेशान मत हुआ करो। आगे हम लोग देख लेते हैं कि उपयुक्त रिक्त पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है। ये सारी चीजें वही हैं। क्षैतिज आरक्षण का विवरण ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसे मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी छोटी वीडियो में केवल मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि अब इस ये पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान में देखने वाला है कि आखिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांग रहा है। तो देखो, वन दरोगा के पदों पर सीधी भर्ती है तो किसी अभ्यर्थी के लिए, हाँ
किसी अभ्यर्थी के लिए क्या है, विश्वविद्यालय से गणित होना चाहिए या फिर भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स या रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान या वनिकी या भूगर्भ विज्ञान, कृषि एग्रीकल्चर वाले भी, स्टेटिस्टिक वाले भी, पर्यावरण विज्ञान में से दो या अधिक विषय, इतने में से पर्यावरण, अब देखो ये बीएससी भी हो सकता है और बीए भी हो सकता है। जैसे जब आप गणित भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान इनसे करते हो तो उसे बीएससी बोला जाता है, वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान वनिकी ये आपका बायो वाला भी पार्ट हो गया, मतलब पीसीएम या पीसीबी दोनों ही आप किसी भी पार्ट से किए हो बीए बीएससी, उससे आप सारे लोग क्या हो गए, इनमें से कोई दो या दो से ज्यादा विषय का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि बीए किए होते हैं भूगर्भ विज्ञान से तो वो वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे, जियोलॉजिकल जिसे बोलते हो, कृषि एग्रीकल्चर वाले हो जाएंगे, हालांकि एग्रीकल्चर बीएससी में ही आता है, सांख्यिकी ये भी आपका बीएससी में ही आता है, तो ये क्या आएगा स्टैटिस्टिक्स से, पर्यावरण विज्ञान से, तो बेसिकली इसके पोस्ट क्या है बीएससी वाले हैं, लेकिन कुछ लोग बीओ में भी बीए में भी जैसे जियोलॉजी से सब्जेक्ट से कर लेते हैं वो लोग इसमें क्या होंगे एलिजिबल होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये बात अलग है कि यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का कोई ऐसी अर्हता नहीं मांगी गई है, इसमें दो या दो से अधिक स्नातक या अभियांत्रिकी में स्नातक, मतलब कि कोई भी जो इंजीनियरिंग का बच्चा होगा, कोई भी बीटेक किया होगा किसी भी से, वो चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, चाहे सिविल से हो, चाहे आईटी से हो, सारे के सारे ही बच्चे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि बीटेक करने वाला बच्चा इन सारे पोस्ट को एक ना एक सेमेस्टर में इनको पढ़ा होता है और उसके मार्कशीट में सब कुछ होता है, इसलिए बीटेक वाले इसमें सारे एलिजिबल कर दिए गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा यदि पशु चिकित्सा विज्ञान से भी कोई अगर स्नातक उपाधि धारित करता है तो वो भी एलिजिबल है, तो काफी इसका रेंज बड़ा हो गया है, इसमें ज्यादा केवल बीए जो आर्ट वाले साइड वाले हैं उनको केवल छोड़ा गया है, बाकी लगभग को फिर से कंसीडर कर लिया गया है, तो ठीक है, बहुत अच्छा है आप लोग के लिए जो ये आप धारित करते हो ऐसा स्नातक, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, पद की संख्या भी बहुत ज्यादा है, 701 कम नहीं होते हैं, और सबसे बड़ी बात है अधीनस्थ जोड़ रहा है कि 15 गुना बुलाएगा, लेकिन उसका 15 गुना 30 गुना मान के चलो, तो अगर ये देखा जाए बच्चों कि यहां पे कितने बच्चे अगर शॉर्टलिस्टेड होंगे तो 700 पद लेके चले 701, और उसमें 15 गुना उसका 25 से 30 गुना होता है, अगर हम 30 लेके चले मैक्सिमम तो कितने हो जाएंगे 21,000 बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, और अगर मिनिमम लेके चले चलो 15 गुना ही पे ले लिया जाए तो भी कितना हो जाएंगे 10,500 हो जाएंगे, ठीक है, इतने बच्चे हो जाएंगे, तो हम ये 21,000 वाला कंसीडर करेंगे, क्योंकि इससे पहले चाहे लेखपाल का हुआ है, चाहे एएनएम का हुआ है, चाहे जिसका हुआ है, हम इस वाले कंसीडर करेंगे, नीचे वाले को कंसीडर करने की परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और पीटी के स्कोर में आप ही देख लिए हो कि जब लेखपाल में कितना था 8,000 पद था, तो उस 8,000 पद के लिए कितना नीचे गया था आपका 86-87% गया था, 64 मार्क्स तक गया था, यहां पे ठीक है, वहां पे 8,000 नहीं है, उसका 1/8 वैकेंसी है देखा जाए, या 1/10 आप बोल सकते हो, तो थोड़ा सा तो कट ऑफ उसका ऊपर जाएगा, 85-86% नहीं जाएगा, 95% के ऊपर जाएगा। अच्छा एक बात और समझना कि लेखपाल में सारे के सारे जो बच्चे थे वो सभी एलिजिबल थे, यहां पे स्पेशल पोस्ट है तो वो परसेंटाइल को थोड़ा नीचे भी लेके आएगा, इसका मतलब जो 95% वो अपने आप को थोड़ा सेफ समझते हुए अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, 90 से 95 के बीच में जो भी आ रहा है तैयारी अभी शुरू कर दो, क्योंकि बाद में ज्यादा समय नहीं देगा। और तैयारी करने के लिए देखिए, जैसा आप लोग शुरू से बोल रहे थे, जब से मैं बताया हूं कि वन दरोगा आ रहा है तब से बोल रहे हो सर बैच चलाइए बैच चलाइए, तो बच्चों मैं पहले ही बोला था कि जब तक कोई चीज कंफर्म नहीं हो जाती टीम परीक्षा प्लस पे बैच नहीं आता है, अब क्योंकि विज्ञप्ति सामने आ गई है तो अब इसका बैच आपके लिए लॉन्च किया जाएगा, और हमेशा की तरह सबसे न्यूनतम फीस में किया जाएगा, सबसे न्यूनतम में सर्वाधिक गुणवत्ता वाला, सब कुछ इसका टाइम टेबल जो है कैसे क्या कर स्टडी कराया जाएगा सब कुछ आपको बताया जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि इसका जो शुल्क है वो मात्र 599 रुपए है, ये ऑफर में है, और इसमें आपको सारी की सारी लाइव क्लासेस, सारे रिकॉर्डेड क्लासेस उसी का, सारे पीडीएफ नोट्स, टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, मार्गदर्शन, सब कुछ इसमें आपको बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका इसे क्लियर करते हुए चलते चलो, ठीक है। बाकी अगर आपको कोर्स से जुड़ना है तो आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, वहां से मिल जाएगा। कुछ और जो मुख्य बिंदु है मैं आपको दिखा दूं, जो आपका फिजिकल है, फिजिकल में बच्चों 163 सेंटीमीटर क्या मांगा है, हाइट मांगा है पुरुष के लिए, और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर मांगा है। यहां पे सीने का घेरा पूरा फुलाने पर भी मांगा है, 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद है ना कि फुलाने के पहले, 5 सेंटीमीटर फैलाव चाहिए, यानी कि इसमें करोगे तो 79 हो जाएगा। और महिला का यहां पे हालांकि सीने का घेरा ले लिया, बाकी वैकेंसी में सीने का कोई माप नहीं होता है, लेकिन इसमें वन दरोगा में महिलाओं का भी लिया गया है सीने का माप, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। बाकी वैकेंसीज में इसको कुछ कंसीडर नहीं किया जाता है। दूसरी बात यहां पर देखें तो
अगर यहाँ पे ऊंचाई जो अनुसूचित जनजातियों के लिए, तो उनके लिए रिलैक्सेशन 152.5 और महिला के 145.0 है, बाकी इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है। आगे अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, तो शारीरिक मानक नियम जो है वो रेस भी होगा, तो इसमें दिया है पुरुष अभ्यर्थियों से 4 घंटे में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर और महिला को 4 घंटे में 25 पूरी यानी 14 किलोमीटर। ठीक है, तो जो महिला है वो 4 घंटे में 14 किलोमीटर का रेस करना है और जो पुरुष है उसे 4 घंटे में 25 किलोमीटर करना है। और ये पैदल चाल है, ऐसा नहीं है कि उसे दौड़ के करना है, तो जो समय है वो पर्याप्त है, इतना कुछ ज्यादा नहीं होता है, आराम आराम से करोगे तो भी हो जाएगा। इसमें कोई बहुत हेक्टिक नहीं लेना है कि अरे बहुत रनिंग हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपका 4 घंटा दिया जाए, 4 घंटे में 25 आप वार्म अप करके कर लो, दौड़ के कर लो, पैदल पैदल चल लो, कैसे भी कर लो, आपके लिए पर्याप्त समय। हाँ, हालांकि 25 किलोमीटर चलना थोड़ा टफ टास्क है, पूरा पैर वैर इसी में ही आफत हो जाती है, ये थोड़ा सा टफ है, इस चीज को समझिएगा। बाकी शारीरिक स्वास्थ्य नियम इसे अच्छे से बाद में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा FAQ के माध्यम से। परीक्षा का जो बाकी पैटर्न है वो बाकी एग्जाम की तरह ही है, उसका जो सिलेबस है वो अभी डिसाइड नहीं किया गया है, सिलेबस निकाला जाएगा, लेकिन एक जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है वो जैसे वन रक्षक से मिलता जुलता होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो सकता है हूबहू आ जाए, नहीं, बट एक चीज कंफर्म है कि रीजनिंग तो कंफर्म पूछेगा, हिंदी कंफर्म पूछेगा, जैसे वन रक्षक में 80, 60 और 60 GS, तो ये जो वन रक्षक में इंक्लूडेड था वो तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे BTEC और BSc वाले भी हैं, तो हो सकता है मैथ्स का एक अलग से सेक्शन वो बना दे। और ये अभी कोई, ये केवल एक वो लगाया जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी है, कोई जरूरी नहीं है। बाकी रीजनिंग में पहले भी वन रक्षक में 12 से 15 क्वेश्चन बेसिक अरिथमेटिक के मैथ्स पूछा जाता था, अब ये हो सकता है कि रीजनिंग वो फुल कर दे और मैथ्स को अलग कर दे, या नहीं करेगा तो मैथ्स उसमें पूछा जाएगा, क्योंकि BTEC वाले तो आपको पढ़ना मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, GS भी है, हिंदी भी है, एक अलग से सिलेबस नहीं निकालता है, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर वाला भी है, तो केवल एग्रीकल्चर के लिए अलग से निकालेगा नहीं। हाँ, लेकिन GS में कुछ फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन जरूर पूछेगा, जैसा कि अन्य एग्जाम में भी अधीनस्थ करता आया है, तो वो सब कुछ आपको जो कोर्स है उसमें कंडक्ट करा दिया जाएगा, सब कुछ कवर करा दिया जाएगा, उसके लिए परेशान मत हो। तो पाठ्यक्रम इसका लगभग हिंदी, रीजनिंग, GS और मैथ्स मान के चलो, फिजिकल मैंने आपको बता दिया है। अब है कि कैसे करें तैयारी, तो तैयारी कहां से करना है वो मैंने आपको बता दिया कि परीक्षा प्लस बहुत ही न्यूनतम फीस में बहुत अच्छा कोर्स लेके आई है, आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत विधिवत नोट्स सब कुछ यहां पे आपको दिया जाएगा, आप उससे क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड जरूर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, सारी जानकारी आपको यहां पे दी जाएगी। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी को धन्यवाद।